छतरपुर जिले के पीपट में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़का रानू खान हिंदू नाम बताकर ले भागा हिंदू लड़की हर्षिता को। हिंदू संगठनों में आक्रोश, दिया एसपी को ज्ञापन की कार्यवाही की मांग। जी क्या नाम है, क्या मैटर है आपका जो आप यहाँ पे आज एसपी ऑफिस में आए हैं? छोटा लड़का कि वो बिजावर पढ़ने जाता है मॉडल स्कूल में, कि हमारी मतलब इतनी चलती है, अगर हम किसी घर वाले को ऐसा भी हाथ दिखा देंगे ना तो तुम बिजावर से पिपट नहीं पहुंचोगे, और हम मतलब दीदी के बाद तुम्हारी दीदी को कुछ कर देंगे। वो लड़की हमारी सीधी जाती थी, वो भी 10-20 दिन को ले जाती थी, वो उससे और कुछ कहता ही नहीं था। तो फिर उसने आकर हमें घर बताया, उस दिन से हमने मतलब बंद कर दिया। लड़की को जाना बंद नहीं, क्योंकि लड़की को लिए उसने ऐसा कहा था, उस लड़के ने मुसलमान ने, तो आपने उसके लिए कुछ नहीं कहा? उसके लिए हमें उस समय इतना बोली रहा, हमने कहा बताओ इस बात को, फिर हमने बिजावर में की, गोपी पट में पुलिस में शिकायत की आपने? फिर उस दिन की जब 17 तारीख उस दिन ने की जिस दिन हम की थी। अच्छा। दिन हमें ध्यान नहीं रहा कि चलो बच्चा है, बोल दिया। फिर जब हमारी लड़की 17 तारीख को बिजावर व सागर में पेपर दे रही थी, और 4:15 बजे बोली डैडी आप हमें 4:15 पर लेने आ जाना, जब वो बच्ची निकल गया, वो बच्ची ना निकली, तब उस बच्चे का वो जिगर किया कि इसने साले ने कुत्ते ने जैसा बोला वैसा किया। फिर हमने बिजावर पिपट में थाने में दिनेश के साथ जा कर के किया, फिर बिजावर भी गए, विधायक जी से भी बात की कि हमारे बच्चे के साथ मतलब हमने सब कहीं पुलिस में बाकी अभी तक कोई अभी तक कुछ हो जाएगा आज हम जिला कलेक्टर एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? ग्राम पीपड़ थाना पीपड़ जिला छतरपुर की निवासी हर्षिता चौरसिया पुत्री राजकुमार चौरसिया को रानू खान, जो पूजा बस ट्रेवल्स पर कंडक्टर का काम करता है, बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद छतरपुर के जिला मंत्री रामगोपाल यादव ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर को ज्ञापन देकर रानू खान पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए आवेदन दिया है। छतरपुर पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पीपट थाना पीपट जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हर्षिता चौरसिया पुत्री राजकुमार चौरसिया को रानू खान नाम का व्यक्ति, जो कि पूजा बस ट्रेवल्स पर कंडक्टर का काम करता है, बहला फुसला कर ले गया है। हर्षिता चौरसिया जैन कॉलेज सागर में पेपर देने गई थी, इसी बीच रानू खान द्वारा हर्षिता चौरसिया को बहला फुसला कर ले जाया गया। रानू खान ने पूर्व में अपना नाम रानू बतलाया तथा स्वयं को हिंदू भी बतलाया। दिनांक 12 अगस्त 2024 को रानू खान द्वारा हर्षिता के भाई स्वाभिमान चौरसिया, जो कि मॉडल स्कूल बिजावर में पढ़ाई करता है, साथ ही पूजा बस ट्रेवल्स में उसी के साथ आता जाता रहता है, उसने हर्षिता के भाई स्वाभिमान चौरसिया से कहा था कि मैं तुम्हारी बहन को जबरन ले जाऊंगा एवं शादी भी करूंगा, तो मैं जहां सुनाना हो सुना दो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर्षिता चौरसिया दिनांक 17 अगस्त 2024 से सागर से लापता है। इसकी रिपोर्ट थाना मकरौनिया जिला सागर में भी की गई है, लेकिन हर्षिता चौरसिया का कोई अता पता नहीं चला। जिला मंत्री रामगोपाल यादव, किस तरह का आज आवेदन दिया है आपने? आज जो पेपर की एक बालिका है चौरसिया समाज की है, जिसको वहाँ के रानू खान ने अपना नाम बदला है, रानू खान रखा, और उसको नाम बदल के बहला फुसला करके भगा ले गया, जिसके विरोध में हम सभी पूरे विश्व हिंदू परिषद संगठन बजरंग दल और सभी यहाँ एसपी साहब के आए हैं, ताकि उस बालिका को न्याय मिल सके, बालिका प्राप्त हो सके, क्योंकि उनका घर वाले माता पिता आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से बेहाल है, कि बड़ा दुखदायी विषय है। क्या कहा है साहब लोगों ने भी कहा? एडिशनल साहब मिले हैं, तो एडिशनल साहब ने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में उसको खोज कर लाएंगे। तो क्या धर्म ने हिंदू बन के गुमराह किया? क्या जैसे माथे पे तिलक लगाना, हाथ में कलावा पहनना, और अपना नाम उसने रानू खान रखा है, तो ऐसा तो हिंदू करते हैं, तो नाम बदल के उसने सब किया है, क्योंकि ये इनकी प्रथा रहती है, वैसा कोई इनके पास जाता नहीं है, नाम बदलते हैं तो बार बार जाते हैं, गुमराह करते हैं, तमाम प्रकार से इनकी प्रोसेस चलती रहती है, और जिस बहाने वो हिंदू बालिकाओं को कहीं ना कहीं अपने कब्जे में चंगुल में बनाने का प्रयास भी करती है। तो ये आवेदन।
रामगोपाल यादव जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक छतरपुर को दिए गए ज्ञापन में इस संबंध में जांच कर हर्षिता चौरसिया के साथ जबरन अपना धर्म छुपाकर लव जिहाद करने वाले रानू खान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने एवं उसे दंड दिए जाने की मांग की है। किस तरह का आवेदन दिया है? आज लव जिहाद की लगातार होने वाली घटनाओं पर हिंदू परिषद ने आज आवेदन दिया है। एक बिजावर के मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू बनकर रानू नाम से बताकर एक पिपट की हमारी हिंदू बहन को बहला फुसला कर लव जिहाद में फंसाने के कारण आज हमने एसपी ऑफिस में विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन दिया। मांग हम यह करते हैं, हमने विश्व हिंदू परिषद ने विषय रखा है लव जिहाद का, लव जिहाद की घटनाएं घटे और यह बच्ची हमें 2 दिन के अंदर हमारे परिवार में वापस चाहिए। 2 दिन में अगर वह बच्ची परिवार में वापस नहीं आती है तो हम बच्ची के परिवार के साथ मिलकर पूरा चक्काजाम या जो भी स्थिति हमसे वापस लाने के लिए बनेगी वो हम कार्य करेंगे। हम परिवार के साथ उनके साथ खड़े हर स्थिति में। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।